चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, मतलब ये है आपका ऊंचाई और दूरी है। इसी में हमको जितने भी सवाल आएंगे आपके ऊंचाई और दूरी कहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने क्या देखा था कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए कुछ फॉर्मूले थे, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, वैल्यू को निकाल रहे थे। लेकिन इसमें क्या करना है कि इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना है, अगर आपको क्षैतिज स्तर के बारे में अगर आप जान गए, दृष्टि रेखा के बारे में अगर आप जान गए, उन्नयन कोण के बारे में अगर आप जान गए और अनुमान कोण के बारे में, इन चारों चीजों के अगर बारे में आप अच्छी तरीके से जान गए तो समझ लीजिए आपका चैप्टर खत्म हो गया। सबसे पहला चीज होता है हमारा क्षैतिज स्तर क्या होता है, सबसे पहला चीज क्या होता है, क्षैतिज स्तर क्या होता है। तो क्षैतिज का मतलब क्या होता है, सीधा। क्षैतिज का मतलब क्या होता है, सीधा। अगर हम किसी भी चीज को क्या करें, एकदम सीधा देखेंगे, क्या करेंगे, एकदम सीधा देखेंगे, मतलब कि एकदम ऐसे देखेंगे, क्षैतिज का मतलब ऐसे ही देखेंगे। तो ये जो है, ये जो लेवल है वो क्या है आपका, क्षैतिज। बस समझ में आया, ये क्या है आपका क्षैतिज, क्षैतिज स्तर। बात समझ में आई, समझ में आया नहीं, क्षैतिज स्तर क्या है। अब मान लेते हैं कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मान लेते हैं एक लड़की यहां पे खड़ी है, ठीक है, समझिए मैं यहां पे खड़ा हुआ ए पॉइंट पे, मान लेते हैं एक लड़की क्या है यहां पे खड़ी है बी पॉइंट पे, तो ये जो है ये क्या है आपका क्षैतिज स्तर है। बात समझ में आया, क्या हुआ कुछ समय के बाद, मान लेते हैं कि एक लड़की, मान लेते एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं कि ये आपकी, सपोज मान लेते हैं यहां से आने के बाद ये लड़की क्या करती है, यहां पे चढ़ जाती है, क्या कर जाती है, यहां पे चढ़ जाती है, या फिर नीचे चली जाती है, चली जाती है नहीं चली जाती है। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं कि उसको अगर ऐसे देखेंगे, क्या कर रहे हैं यहां पर, इसको देख रहे हैं, तो चाहे इधर से हम इसे देखें यहां या फिर यहां से हम, भाई यहां से खड़े हैं, या तो ऊपर ऐसे देखेंगे, ऊपर चढ़ेगी तो ऊपर देखेंगे और नीचे जाएगी तो नजर ऊपर जाएगी। तो ये जो दोनों हुआ ये क्या है हमारा, दृष्टि रेखा। दृष्टि, दृष्टि मतलब मेरी नजर, नजर किस पे, उस लड़की पे नजर है ना जी। अब समझ में आए, मान लेते हैं ये लड़की, ये क्या हो जाएगा आपका, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं है, या फिर यहां पर आ जाएगी, ऊपर देखे चाहे हम नीचे देखें, वो क्या होगा हमारी दृष्टि होगी, क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी। यहां तक बातें समझ में आई नहीं है, ये समझ में आया। सपोज मानिए ये क्या है क्षैतिज, भाई जब हम एकदम सीधा देखेंगे तो क्या होगा हमारा, क्षैतिज स्तर होगा। लेकिन मान लेते लड़की ऊपर चढ़ी गई, ऐसा हो गए, ठीक है। अब यहां पर लड़की आ गई, मान लेते लड़की आकर के यहां पर खड़ी हो गई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल जो बना, बना कि नहीं बना, सपोज मान लेते हैं ये लड़की यहां पे है, बड़ी पसंद आ गई, अब इसको हम यहां से क्या करें, यहां से हम क्या करें, इसको आंख मार दी, कहां से, नीचे से हम अगर क्या कर रहे हैं, इस लड़की को क्या कर रहे हैं, आंख मार रहे हैं। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में कुछ कोण बना जी, ये क्या होगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण होगा, क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। बात समझ में, क्या बात समझ में आया कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, किसको, लड़की को, हम क्या कर रहे हैं, लड़की को आंख मार रहे हैं। तो जब हम यहां से लड़की को आंख मार रहे हैं तो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। अब लड़की को भी हम पसंद आ गए और लड़की भी क्या करे, यहां से हमको आंख मार दी, तो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। बस समझ में, यहां से हम देखिए क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो क्या होता है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण होता है। बस समझ में आया। और सपोज हम यहां पर खड़े हैं, ठीक है, अब यहां से ये लड़की क्या गई, उसको भी हम पसंद आया, यहां से मार दिया, ठीक है। तो यहां से एक एंगल यहां से बनेगा ना, ऐसे करके जी, बनेगा नहीं बनेगा। तो ये जो होगा, अब ये, अब इसकी नजर से ये क्या होगा, ये क्षैतिज स्तर होगा कि नहीं, हुआ ना। अब यहां से एक बना, ये क्या हो गया आपका, अवनमन, अवन मन, मन। बात समझ में आया कि नहीं है। पहला चीज क्षैतिज स्तर, हमारी जब नजर क्या एकदम सीधा, वो क्या होगा आपका, क्षैतिज स्तर होगा। और हम अगर मानते लड़की ऊपर जाती है तो क्या होगा, वो हमारी दृष्टि होगी, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में ये कुछ बन रहा है जी, ये क्या हो, यही बोलते हैं कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, कोण बोलते हैं। अब यहां से हम इस लड़की को आंख मारेंगे तो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। और लड़की पसंद कर ली, हमें आंख मार दी तो क्या हो जाएगा, अवनमन। कोई दिक्कत है, देखिए आपका पहला जो एग्जाम्पल इसमें कह रहा है, देखिए कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर
खड़ी है। मीनार मतलब समझिए डंडा, कुछ भी मान लीजिए। मीनार मतलब जानते हैं जो बहुत बड़ी इमारत होती है, समझ रहे हैं ना, उसे हम लोग मीनार बोलते हैं। क्या कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये हमारी मान लेते हैं ये धरती हो गई। अब इस धरती पर एक मीनार हम मान लेते हैं ये ऐसे करके खड़ा कर देते हैं, ये खड़ी हो गई। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है एकदम ठीक सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट, समझ में आया, ये खड़ी है। आगे क्या कह रहा है देखिए, धरती के एक बिंदु से, धरती ये धरती है मान लेते हैं, धरती पर हम खड़े हैं कि नहीं, मान लेते हैं हम एक मीनार मान लीजिए। अब धरती है किसी एक बिंदु से, मान लेते हैं वहां पर एक बिंदु है कि नहीं, तब अब ये धरती है मान लेते हैं आपकी ऐसे करके ये पूरा धरती है, समझ लीजिए ये धरती ही हो गई है कि नहीं है। अब इस पर किसी एक बिंदु से मान लेते हैं ये बिंदु यहां पर है, मान लेते हैं कि ये बिंदु कहां पर है, यहां पर है। क्या कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर, पाद का मतलब होता है पैर, क्या होता है पैर, अब पाद मतलब यहां निचला सिरा यही पैर होगा ना, इससे क्या है ये कितना दूर है 15 मीटर दूर है ये, इसकी लंबाई कितनी है 15 मीटर है। यहां तक बात समझ में आई नहीं जी, आया कह रहा 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या कह रहा है, मीनार के शिखर, मीनार का शिखर कौन सा है, ऊपर वाला, यही शिखर होगा ना, शिखर मतलब हम बोले हैं कि हमारा शिखर ये मेरी चुंडी है ना, है कि नहीं, ये है शिखर। अब इसको हम इससे क्या करते हैं मिला देते हैं, तो ये उन्नयन कोण होगा कि अनुमान कोण होगा, उन्नयन कोण होगा, तो उन्नयन कोण यही पर बनेगा ना, कोई दिक्कत है, तो उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, मतलब कि इसकी हमसे क्या कह रहा है ये हाइट इसका पूछ रहा है, किसका मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। हम इसका एक नाम देते हैं ए बी सी, ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, हमेशा ऑलवेज कितना होगा 90 डिग्री का, बात समझ में आया। हमसे कह रहा है कि ए बी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, मतलब मीनार की ऊंचाई यही पूछ रहा है। ये हम करेंगे देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, उदाहरण नंबर एक है ना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। एक बात बताइए समझिएगा, ये हमें दिया क्या है, हमसे ये वाला पूछा है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई मान लेते हैं आपका h है, मान लिया हमने कि इसकी ऊंचाई क्या है h है। अब जरा समझिएगा हमको दिया क्या क्या है, ये लंब ये आधार, तो अब हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का, पढ़ा था नहीं लाल बटे कक्का, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो समझिए ये लंब और आधार, लंब और आधार किसमें होता है टैन में, किसमें होता है आपका, उससे हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए टैन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब का मतलब क्या हो जाएगा ए बी, ए बी आधार क्या होगा आपका बीसी, क्या हो जाएगा आपका बीसी। अब जरा एक बात बताइएगा, त्रिकोणमिति का अनुपात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, टैन 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट थ्री होता है, करडी में 3/1 बराबर ए बी, ए बी हमसे पूछ रहा है यही ना पूछ रहा है, तो ए बी का हमने मान लिया कितना है एच, तो हो जाएगा एच बटा के बी सी, बी सी का मान कितना दिया है 15 दिया है, तो क्या हम एच देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एच का एक में गुणा करें कितना आएगा एच, तो एच बराबर 15 का रूट 3 में गुणा करें कितना होगा 15 करडी में 3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है मीनार की, एच हमने क्या दिया मीनार की ऊंचाई में एच माना था, एच बराबर 15 हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो उदाहरण सेकंड का रहा है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करती है, खंभा कितना बड़ा है 5 मीटर है, अब खंभा ऐसे रहता है कि ऐसे रहता है कि सीधा रहता है, सीधा रहता है, तो हमने क्या किया कि एक खंभा हम क्या करते हैं बना देते हैं, और इस खंभे की यहां से ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है, यहां से यहां तक की उसकी ऊंचाई, जितना बोले बस उतना करिए, समझ में आया। आगे क्या कह रहा है देखिए, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। अब क्या है कि मतलब ये खंभा 5 मीटर है, मतलब उस यहां तक पहुंचने के लिए उसे खड़े कहां, इससे 1.5 मीटर नीचे मान लेते हैं यहां पर पहुंचना है, कहां पर पहुंचना है इसे यहां पर, मतलब कि यहां से यहां तक की जो दूरी है कितना है 1.3 मीटर, कितना है 1.3 मीटर, मान लेते हैं इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो ऊंचाई है कितनी है
लेंथ है 1.3 मीटर, समझ में आया। आगे क्या कह रहा है देखिए, चित्र में आपको यहां पर देखिए दिखा रहा है, ठीक है। यहां तक पहुंचने के प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, जिससे कि 36-60 डिग्री के कोण से झुकने पर आप स्थिति तक हो जाए। और यह भी कहते हैं खंभे का पादबिंद से कितनी दूरी सीढ़ी के पादबिंद से होना चाहिए। देखिए यहां तक पहुंचना चाहते, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी। अब बताइए सीढ़ी ऐसे लगती है कि ऐसे लगेगी? अगर ये दीवाल है, ये दीवाल ही है तो इसको हम लगाएंगे तो कम से कम यहां से सीढ़ी लगाएंगे। अब मान लेते हैं कि ये सीढ़ी हमने यहां से लगाया, यहां से यहां तक लगा दिया, कोई दिक्कत है? और हमें इस हिसाब से लगाना चाह रही है, इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना बनना चाहिए, बोल रहा है कितने डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। ये हमने बना लिया, कोई दिक्कत है? ये नहीं कह रहा है कि यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। आपका इतना दिया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मतलब इसे हमसे पूछा क्या है, देखिए मान लेते हैं इसको अगर हम एक नाम दे दें, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको दे देते हैं आपका डी, कोई दिक्कत है? ये आपका क्या आंसर बिंदु है, डी है। तो हमसे ये वाली भी दूरी पूछ रहा है, कौन सी, ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी पूछ रहा है, और कौन सी दूरी पूछ रहा है, ये सीढ़ी, इस सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो सीढ़ी की लंबाई है कि क्या, नहीं सीढ़ी, अरे सीढ़ी की लंबाई सीढ़ी तो है ना, मतलब हमसे सीढ़ी, हमसे पूछ रहा है कि सीढ़ी बराबर क्या है और बीसी बराबर क्या है। इसमें आपको देखिए मैंने बताया कि साइन कॉस टेन इसी में सबसे ज्यादा यूज होगा, साइन कॉस टेन इसी में से आपको आंसर निकल आएगा, ठीक है। पहला तरीका क्या करते हैं देखिए, अगर ये टोटल यहां से यहां तक की अगर लेंथ कितना है, 5 मीटर है, तो जरा एक बात बताइए कि यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, 3.7 मीटर, 4.10, समझिए क्या होगी। मैं ए बी को नहीं लिख सकता हूं, ए डी प्लस बी सी बी डी लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, लिखते हैं ध्यान देखिए कि ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, यहां तक कोई दिक्कत है? ए बी की जो लेंथ है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है कितना दिया है, 5 मीटर दिया है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 5 मीटर बराबर ए डी, ए डी की लंबाई कितनी है, 1.3 दिया है, नहीं दिया है, हो जाएगा 1.3 प्लस बी डी, हमें नहीं पता है बी डी तो हम निकालना चाहते हैं, यही है ना, तो हम क्या करेंगे देखिए बी डी, तो बी डी बराबर इसको हम इधर लाएंगे, इसको क्या कर रहे हैं इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 5 माइनस कितना होगा, 1.3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 5 में से 1.3 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए बी डी बराबर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 3.7 मीटर, मतलब कि हमें बी डी की लंबाई मिल गई 3.7 मीटर। और हमको इससे मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, इससे मतलब है, ये है कितना, 3.7। अब जरा समझिए हमें निकालना क्या है, पहले सबसे पहले बीसी को निकाल लेते हैं, तो ये अगर 60 है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो ये क्या होगा, आधार, लंब और आधार किसके कौन से फॉर्म आता है, टेन आता है ना, 10 में, तो हम लिखेंगे देखिए त्रिभुज किसमें, सॉरी बीसीडी में, बी सी डी में, त्रिभुज डी बी सी में, टेन 60 डिग्री है कि नहीं, टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा के आधार, तो लंब क्या है आपका बी डी, तो हो जाएगा बराबर बी डी बटा के बी सी। अब देखिए टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होता है, तो √3/1 बराबर बी डी की वैल्यू कितना दिया है, 3.7 बटा के बीसी, बीसी हमने मान लिया, यक्स या फिर नहीं मानेंगे तो बीसी ही रख दीजिए, है कि नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो बीसी को बीसी ही रहने दीजिए, आप मान लीजिए। अब करेंगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीसी का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, √3 बीसी बराबर 3.7, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 3.7 बटा के √3,
भाई ये यार मल्टीप्लाई में इधर जाएगा क्या होगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा 3.7 अपॉन रूट थ्री का मान होता है 1.73, तो भाग देंगे तो बीसी बराबर कितना आएगा, आंसर दिया है इसके कितना दिया है आपका 4.28 दिया है, कितना दिया है 4.28 मीटर क्या होगा लगभग अप्रॉक्स में मान लेते हैं इतना दिया है, ठीक है इतना मीटर दिया है, बात समझ में आया। ये आपका आ गया, अब मतलब हमें क्या मिल गया, ये मिल गया ये मिल गया। अगर हम चाहे जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके डीसी निकाल सकते हैं जी, है कि नहीं, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो करेंगे हमारे लिए क्या होगा लंबा होगा। दूसरा तरीका हमको क्या चाहिए, देखिए कर्ण चाहिए है कि नहीं, तो या तो देखिए इसके अकॉर्डिंग लंब बटा के कर्ण भी हो सकता है या फिर आधार बटा के कर्ण भी हो सकता है, मतलब हम साइन भी लगा सकते हैं और कॉस भी लगा सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या लगाते हैं। सर जी हाँ डिवाइड करेंगे 2.14 होगा ना, कहाँ 2.14 कितना आंसर दिया है इसमें 2.14 होगा, हाँ यहाँ पर होगा आपका 2.14, ये 3 नीचे वाला है, ठीक है बात समझ में आया कि नहीं है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें चाहिए क्या ये वाली लेंथ चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसमें देखिए हम दो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये हमें निकल ही गया, तो या तो देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग आधार बटा के कर्ण हम लगा सकते हैं या फिर लंब बटा के कर्ण लगा सकते हैं, दो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या लगाएं इसके अकॉर्डिंग, लंब बटा कर्ण किसमें आएगा साइन में, साइन तो देखिए त्रिभुज, अब हम कह रहे हैं त्रिभुज किसमें डी बी सी में साइन 60 बराबर लंब, लंब क्या होगा बीडी होगा नहीं बीडी बटा क्या जाएगा आपका सी डी या डीसी डीसी, तो साइन 60 का मान कितना होता है 1/3 वन बाई, अरे नहीं नहीं अंडर रूट थ्री अपॉन टू होता है ना, रूट थ्री अपॉन टू होता है, बराबर कितना हो जाएगा आपका बीडी, बीडी का मान कितना दिया है 3.7 अपॉन कितना हो जाएगा आपका डीसी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखिए रूट थ्री डी सी बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 7 × 4 = 3 × 4 = 7.4 आपका हो जाएगा 7.4, तो डीसी बराबर हो जाएगा देखिए 7.4 अपॉन कितना हो जाएगा कड़ी में तीन का मान कितना 1.7, तो डीसी बराबर 7.4/1.73 इसका भाग देंगे तो कितना आएगा डीसी बराबर 4.28 था, इतना लगभग भाग देख लीजिएगा आपका आ जाएगा, बात समझ में आया नहीं। अगर दूसरा भी लगाना चाहते हैं, अगर आप नहीं आपका दिमाग में आएगा नहीं सर हम ये नहीं लगाएंगे हम कॉस लगाएंगे, लगा लो कॉस, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, देखिए अगर हम बता देते हैं देखिए कि कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री बराबर, देखिए तो क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो जाएगा बीसी, बीसी अपन क्या हो जाएगा डीसी, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर बीसी, बीसी का मान कितना दिया है बीसी का मान हम लोगों ने निकाला ना 2.14 बटा के डीसी, अब डीसी का इसमें गुणाकरण क्या होगा आपका डीसी बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4.28 मीटर अप्रोक्स में आएगा, है कि नहीं है जी। दोनों तरीका से है कि नहीं, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है उसको, देखिए कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, समझिए प्रेक्षक मतलब समझिए एक आदमी, प्रेक्षक का मतलब क्या है आदमी का नाम है प्रेक्षक, ऐसे समझिए बस समझ में नहीं है। उदाहरण नंबर कौन सा आपका तीसरा, कितना मीटर लंबा है 1.5 मीटर, तो मान लेते हैं ये आदमी है इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर 1.5 मीटर बात समझ में आया कि नहीं है। अब क्या कह रहा है देखिए चिमनी से इतना मीटर की दूरी पर है, चिमनी से अब मान लेते हैं एक चिमनी है, समझिए ये आपकी चिमनी ऐसे खड़ी है, समझिए ये क्या है आपका चिमनी है, यहां से इसकी जो दूरी है कितनी है कितना दिया है 28.5 मीटर दिया है। आगे क्या कह रहा है देखिए उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कहां से यहां से कि यहां से, अगर हम खड़े हैं तुम्हारी आंख यहां होगी कि यहां यही ना होगी, तो अब ये आदमी है तो उसकी आंख यही ना होगी, और चिमनी का शिखर कहां है ये है, इससे इसका जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है
45 डिग्री का बन रहा है तो चिमनी की ऊंचाई पता कर रहा है, तो हमको इसकी ऊंचाई आपको बताना है। ठीक है, जरा समझिएगा, अगर ये 1.5 मीटर है तो यहाँ पर भी हमें क्या अगर एक क्षैतिज बनाना पड़ेगा ना, कि यही से बना देगा, यहाँ से कैसे बनाएंगे बताइए, बनेगा ना, यहाँ से क्या करेंगे एक हम क्षैतिज, कोई दिक्कत है, समझना। अब इससे इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। अब जरा एक बात बताइए, अगर ये 28.5 है तो ये कितना होगा, 28.5, ये भी तो 28.5 ही होगा, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ 28.5, एक नाम देते हैं इसको ए बी सी डी, इसको क्या करते हैं ई। तो हमसे क्या पूछा है, चिमनी की ऊंचाई, मतलब हमसे पूछ रहा है ए बी, हमसे पूछा क्या है आपका ए बी, आपका क्या होगा। अब देखिए, ये यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये तो हमें पता है, 1.5 है तो यहां पर भी 1.5 ही होगा, जी सर, होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, ए 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, मतलब अगर ये लंबाई किसी तरीके से हम क्या करें ए ई लंबाई को अगर हम ज्ञात कर लें तो भाई उसमें इसमें जोड़ देंगे ए बी, क्या क्यों भाई, ए बी बराबर क्या आपका नहीं होगा, ए बी बराबर क्या होगा आपका ए ई प्लस बी ई प्लस बी ई, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई और बी ई हमें पता है 1.5 है, तो यही है ना। अब देखिए, अगर इसके सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार, और लंब बटा के आधार किसमें होता है, टेन में होगा कि नहीं होगा, तो त्रिभुज किसमें, सॉरी ए डी ई में, डी ई में त्रिभुज ए ई डी में, डी में टेन कितना, 45 डिग्री बराबर लंब, लंब मतलब ए ई, ए ई बटा के डी ई, आधार क्या हो जाएगा आपका डी ई, डी ई। यहां तक बातें समझ में आई, किसी कोई दिक्कत है। अब सबसे सिंपल आदमी टेन 45 अंश का मान, नॉर्मल आदमी है, सिर्फ एक ही रखता है अपने पास, हो जाएगा 1/1 बराबर क्या हो जाएगा ए ई, ए ई की लंबाई हमें नहीं पता है, और डी ई की लंबाई हमें 28.5, ए ई की लंबाई कितना हो जाएगा, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए ई का ही करेंगे, ए ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 28.5 मीटर, 28.55। अब हमें किसकी लंबाई पता करना है, ए बी ही नॉमिनल है, ए बी नॉमिनल है, तो अब ए बी, तो ए बी बराबर ए ई भी निकल गया, ए ई कितना है आपका 28.5 प्लस बी ई, बी ई देखिए आपका डी सी डी और बी ई आपस में बराबर होगा, तभी तो हम 36 देखें, 36 का मतलब क्या होता है एकदम सीधा देखेंगे, तो ये क्या होता है कितना है आपका 1.5, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा आपका 30, टोटल कितना जाएगा आपका 30 मीटर, यही क्या हो जाएगा आपका। तथा देखिए, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा है। देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु पी से, कहां भूमि के एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मतलब क्या बोला है कि वो ये मान लेते हैं भूमि है, भूमि पर एक बिंदु क्या है आपका, मान लेते हैं ये बिंदु क्या है आपका पी है, क्या है आपका पी है। अब यहां से कोई एक भवन है, भवन यहीं पर रहेगा कि थोड़ा दूर होगा, थोड़ा तो दूर होगा ना। अब मान लेते हैं यहां पर आपका एक भवन है, ये आपका क्या हो गया, सपोज मान लेते हैं कि ये आपका क्या है भवन, आगे क्या कह रहा है, बिंदु एक 10 मीटर ऊंचा, ये भवन कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है, आगे क्या कर रहा है उसके शिखर का उन्नयन को, मतलब शिखर यही होगा कि ये होगा, ये होगा, यहां से यहां का जो उन्नयन कोण है भाई, ये भूमि है तो यहां से यहां तक ये भूमि का होगा कितना है 30 डिग्री, यहां तक बातें समझ आई नहीं है। आगे क्या कर रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, मतलब कि इस यहीं पर एक और झंडा गाड़ दिया गया, ये देखिए झंडा लहरा रहा है, देख रहे हो, ऐसे ही मान लेते हैं तो झंडा है, ये लहरा रहा है, झंडा हो गया, ध्वज को लहराया गया है, और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखिए यही से इसका शिखर, इसका नहीं, इस झंडे का भी तो शिखर होगा,
यहां से इसका जो कोण है वो कितना है? 45 डिग्री। ये होगा कि ये पूरा होगा? पूरा पूरा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक कितना है आपका? ये 45 डिग्री है। तो हमसे कह क्या रहा है? ध्वज दंड की लंबाई, मतलब कि ये हमसे पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करिए। मतलब इसे हमें ज्ञात करना है और इसे ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं आपका B, इसका नाम देते हैं C। कोई दिक्कत है? हमसे PC पूछ रहा है और AB पूछ रहा है। मतलब हमसे कह रहा है कि AB क्या होगा और PC PC बराबर क्या होगा? PC PC PC। अच्छा हाँ, PC। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। अब दोनों का एंगल है तो ये तो दोनों के लिए लंब होगा, है कि नहीं है? अब अगर इसमें हम लेते हैं, देखिए त्रिभुज किसमें? BPC में, तो ये आपका होगा, ये हमको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? PC मिल जाएगा भाई। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको सपोज मान लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके आपको बना करके दिखा देता हूं। ये ऐसे समझिए कि ये वाला ये पी है, ठीक है, ये बी है और ये क्या है आपका सी है। ये कितना है आपका? 30 डिग्री है। ये आपका 10 दिया है। तो जरा एक बात बताइए, आप पीसी निकाल नहीं निकाल पाएंगे? क्या होगा? हमें ये चाहिए, मान लेते हैं अगर इसके आगे लंब, ये क्या है? आधार। किसमें है? टेन में होगा नहीं होगा? तो किसमें? त्रिभुज बी सी पी में, बी सी पी में क्या? टेन 30 अंश बराबर लंब, लंब मतलब बीसी, बीसी अब बटा के क्या होगा? पीसी 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 सर, बार बार कहे बीसी लिखा जा रहा है, पीसी। ठीक है, पीसी सही तो है, सीपी या पीसी, चलो ठीक है। अब 30 अंश, 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर बीसी। बीसी की लंबाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10 मीटर, 10 बटा कितना हो जाएगा आपका? पीसी। तो पीसी बराबर कितना हो जाएगा? 10/√3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पीसी का एक में करेंगे तो पीसी होगा, और 10 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 10/√3। 10 कड़ी में 3 क्या हो जाएगा आपका? मीटर, मीटर में दिया है तो मीटर हो जाएगा। बस समझ में आया? ये भी हमें पता चल गया, ये कितना हमें मिल गया? 10 कड़ी में 3। अब हमें क्या चाहिए? ये चाहिए। अब क्या करेंगे? त्रिभुज ए पी सी में, किसमें? त्रिभुज ए पी सी में भाई, लंब और आधार यही ना होगा? पूरा लेंगे यहां से यहां तक, तो ये पूरा होगा, है कि नहीं है? मतलब कि एसी, यहां समझिए कि एसी बराबर है ए बी प्लस बी सी, यही होगा ना? तो त्रिभुज ए पी सी में अगर देखा जाए तो ये क्या होगा? कितना डिग्री बन रहा है? 30 बन रहा है, 45 बन रहा है। ध्यान रखिए कितना बन रहा है आपका? 45 हो जाएगा टेन भाई, क्योंकि ये लंब और ये आधार, तो लंब बटा का आधार किसमें? टेन में। टेन 45 अंश बराबर लंब हो जाएगा आपका एसी, क्या हो जाएगा पूरा? एसी बटा के पीसी, पीसी या सीपी। ठीक है, टेन 45 अंश कितना? एक एसी। अब एसी की जगह पे ए बी प्लस बीसी हम लिख सकते नहीं? ए बी प्लस बीसी अब बटा के सी पी, सीपी का मान कितना दिया है? 10/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा ए बी प्लस बीसी। बीसी का मान तो हमें दिया है, कितना दिया है? 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10/√3। अब ए बी, ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 10/√3 और ये इधर जाएगा, क्या होगा? माइनस 10। तो ए बी बराबर हम क्या करते हैं कड़ी में, सॉरी 10 कॉमन ले लेते हैं, तो 10 कॉमन लेने से कितना हो जाएगा? √3 − 1 मीटर। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? यही अभी की लंबाई है। देखिए उदाहरण नंबर जो आपका 5 क्या कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब क्या है? कोई एक मीनार है, समझिए ये आपकी क्या है? मीनार।
हम बना लेते हैं आपका क्या है, आपका एक मीनार है। अब मान लेते हैं कि इसकी छाया यहाँ पे पड़ रही है ऐसे करके, भाई यहाँ यही छाया पड़ेगी ना, हम खड़े होंगे तो हमारी छाया तो ऐसे जाएगी ना। अब ऐसा तो है ना कि छाया ऐसे 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 करके जाएगी, छाया भी क्या होती है एकदम स्ट्रेट जाती है, जाती है कि नहीं जाती है। तो मान लेते हैं ये आपकी छाया है उसकी, यहां तक कोई दिक्कत है? आगे कह रहा है कि छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहले यहां से अब क्या हो रही है, 40 मीटर और लंबी हो गई छाया है कि नहीं है? अब जरा एक बात बताइएगा, एंगल जब कम होता है तब छाया बढ़ती है या एंगल बड़ा होता है तब छाया बढ़ती है? कम होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि यहां से मेरे अगर 90 अंश पे पड़ेगा तो सीधा मेरा एकदम यहीं पर रहेगा, थोड़ा थोड़ा कम होगा। जैसे 90 से क्या होगा 80 होगा, थोड़ा इधर मारेगा ना, फिर और कम होगा, अब एकदम जब एकदम 180 होगा मारेगा, ऐसे चला जाएगा, है कि नहीं है? तो छाया अब समझिए कि ये कुछ एंगल बना, इसमें कह रहा है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49.60 से घटकर 30 हो जाता है। मतलब कि यहां पर एंगल कितना था, 60 था, तो इसकी छाया ये थी। अब 40 मीटर और बढ़कर के मतलब ये कहां पर आ गई, यहां पर आ गई, कहां पर, यहां पर। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 40 मीटर हो रही है, कितना हो गया, 40 मीटर हो गया। और इसके यहां से इसका जो एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे क्या कह रहा है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब छाया के एक सिरे यहां से यहां तक का उन्नयन कोण कितना हुआ, 60 अंश, और डीबी छाया की लंबाई है, मतलब कि इसमें आपका दिया है डीबी छाया की लंबाई है, डीबी बीडी छाया की लंबाई है, जबकि उन्हें पर 30 अंश मीनार पूछाई। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, सिंपल बात, मीनार पूछाई पूछ रहा है। हम इसका एक मान लेते हैं, ये मानते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका डी। हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है, मतलब हमसे सिंपल बात क्या कर रहा है, ए बी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। क्या करते हैं देखिए, अगर मैं इसको लेता हूं, ये लंब हो, इसके अकॉर्डिंग ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधा। भाई ये अलग त्रिभुज बना ना जी, ए सी बी बना नहीं है। हम क्या करते हैं देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में, भाई ये 60 अंश लंब, ये क्या होगा, यही भाई इस त्रिभुज में ये लंब, ये आधार, यही ना बात होगा। हमको कांड से कोई मतलब तो है नहीं, इसी से मतलब है, क्योंकि यही हमसे पूछ रहा है ना, ये छाया पूछ रहा है और ये मीनार पूछा पूछ रहा है। अगर किसी तरीके से हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ए बी को निकाल रहे हैं, तो अगर हम किसी भी तरीके से ये करते हैं, ये भी अज्ञात है और ये भी अज्ञात है कि नहीं है? इसमें से हम क्या करेंगे, बीसी का मान जो आएगा उसको उठा करके क्या करेंगे, इस वाले में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें इसकी लंबाई मिल जाएगी नहीं, क्योंकि ये दोनों। तो क्या करते हैं देखिए, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या होगा, लंब बटा के आधार कौन सा, टेन, तो हो जाएगा आपका देखिए टेन 60 अंश बराबर लंब, लंब क्या हो जाएगा आपका, ए बी बटा क्या हो जाएगा आपका, बी सी, बी सी। टेन 60 अंश का मान कितना होता है, रूट थ्री होता है, कितना होता है, रूट थ्री, इसको बटा के वन कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी तो हमको ना पता है ना हमको पता है, बी सी, तो निकलेगा कैसे, ए बी बटा के बी सी, यही है। अब क्या करते हैं देखिए कि ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट थ्री बी सी, या फिर समझिए कि इसकी लंबाई हम x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y, ज्यादा आसान लगेगा देखने में ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका देखिए, ए बी क्या दिया है, मतलब x, इसको बराबर ऐसे लिख देंगे देखिए, x बराबर करडी में तीन y, y इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए आप, एक मान लीजिए। यहां तक बातें समझ में आई, कोई कोई दिक्कत? अब किसमें, त्रिभुज अब बड़े वाला में देखिए, अब इसको भूल जाइए, ये नहीं है, अब ये मतलब ये नहीं है, टोटल आपका क्या बना, यही है पूरा, सुना है ना, ये 30 डिग्री, ये 40, ये पूरा 40, ये वाई, ये टोटल यहां से यहां तक पूरा कितना हो जाएगा, 40 प्लस वाई होगा कि नहीं होगा, और ये तो भाई एक्स है तो एक्स ही रहेगा, बात समझ में आया, इसमें लंब बटा के कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं देखिए, त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा, टैन कितना, 30 अंश बराबर लंब, मतलब ए बी बटा के आधार क्या हो जाएगा आपका, बी डी,
तो हो जाएगा आपका देखिए टेन तीसरा मतलब एक बटा के रूट थ्री, रूट थ्री बराबर एबी, एबी बराबर हमने क्या माना है एक्स है, एबी बराबर क्या है आपका एक्स है और बीडी, मतलब बीडी की जगह हम क्या करेंगे देखिए डीसी प्लस बीसी पूरा लिख देते हैं, देखिए डीसी प्लस बीसी बीसी ठीक है, तो हो जाएगा वन बटा के रूट थ्री बराबर एक्स बटा के डीसी, डीसी का मान कितना दिया है चालीस, चालीस अब प्लस बीसी का मान कितना दिया है वाई। अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना होगा रूट थ्री एक्स बराबर चालीस प्लस वाई। एक बात बताइए हमें x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, दोनों नहीं नहीं, एक बात बताइए हमें x का मान चाहिए या y का, सिर्फ हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा है या इसकी पूछा है मीनार की ऊंचाई, जब हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा था हम मीनार को कांस्टेंट रहने देते हैं, कोई दिक्कत है भाई, x का मान निकाल देंगे तो हमारे मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, मतलब कि y के जगह पे किसके y के जगह पे हमको x रख सकते हैं, रख सकते हैं, तो मतलब कि रूट थ्री वाई बराबर x, तो अब देखिए तो हो जाएगा देखिए कि y बराबर क्या हो जाएगा x बटा के रूट थ्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा x बटा के रूट थ्री बराबर y, इसे समीकरण नंबर क्या होता है यहाँ समीकरण नंबर एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, अब y का समीकरण एक से y का मान समीकरण इसको दो मान लीजिए दो में रखने पर कोई दिक्कत है, समीकरण एक से अगर मैं वाई का मान समीकरण दो में रख दू तो कोई दिक्कत है, है नहीं, तो लिख देते हैं समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण फर्स्ट का मान एक का मान समीकरण दो में रखने पर, जब समीकरण दो में हम रखेंगे तो रूट थ्री एक्स, रूट थ्री एक्स बराबर हो जाएगा चालीस प्लस वाई बराबर कितना है यहां पर देखिए एक्स अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, देखिए एक्स बटा के रूट थ्री, अब करेंगे तो हो जाएगा देखिए इसको इधर ला दीजिए तो हो जाएगा देखिए रूट थ्री एक्स, ये प्लस में है इधर आएगा क्या होगा माइनस एक्स बटा के रूट थ्री बराबर कितना आ जाएगा आपका चालीस, यहां तक कोई दिक्कत है, अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं रूट थ्री का रूट थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा थ्री एक्स, भाई कर्डी का कर्डी में गुणा करेंगे तो कर्डी स्क्वायर हो जाता है और वहां से कर्डी खत्म हो जाती है, वन का एक्स में गुणा करेंगे कितना होगा एक्स बटा कितना आ जाएगा आपका रूट थ्री बराबर कितना आ जाएगा चालीस, चालीस ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा चालीस कड़ी में तो तीन हो जाएगा नहीं, तो थ्री एक्स में से एक्स को हम घटाएंगे कितना आएगा आपका टू एक्स, अब बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना फोर्टी रूट थ्री, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका देखिए फोर्टी रूट थ्री अपॉन टू, काटेंगे कितना होगा बीस रूट एक्स बराबर बीस करडी में तीन, एक्स किसका मान है एबी का, एबी क्या है मीनार की ऊंचाई है, तो यहां हो जाएगा देखिए एबी बराबर बीस करडी में तीन मीटर, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा मीनार। उदाहरण नंबर छह में आपका कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिल का मतलब क्या होता है बहुमंजिल का मतलब होता है जो ये जो तल्ला होता है ना, बोलते हैं एक तल्ला का दो तल्ला का तीन तल्ला का हमारा घर है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि जिसका जो तल्ला है एक से ज्यादा है, तो समझिए कि एक बहुमंजिल हो गई, मान लेते हैं ये आपका एक मंजिल है, ये समझिए बहुत बड़ी मंजिल है, समझ रहे हैं, एक मंजिल से एक एक मंजिला भवन है, दो मंजिला है, तीन मंजिला है, समझ रहे ना, जिसको आप लोग बोलते हैं तल्ला दो तल्ला हमारा घर है, नहीं नहीं हमारे दस तल्ला का, समझ रहे हैं, तो वो चीजें हैं ठीक है, तो कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, शिखर का ये शिखर है कि ये शिखर है, ये आपका क्या है शिखर है, अब ये मंजिल हो गई इसके शिखर से देखने पर, अब देख रहा है आगे क्या कह रहा है देखिए, एक आठ मीटर ऊंचे भवन, अब वो ऊंचा भवन बस है, तो अब यहां से देखेगा तो भवन यहां रहेगा क्या, थोड़ा तो दूर रहेगा ना, कि यही पर रहेगा इसी में रहेगा थोड़ा दूर रहेगा, मान लेते हैं ये भवन आपका यहां पर है और इस भवन की ऊंचाई कितनी है आठ मीटर, आठ मीटर है, कोई दिक्कत है, कह रहा है आठ मीटर, आठ मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः तीस अंश और पैंतालीस अंश है, बात समझ में आया, कि यहां से देखने पर समझिए
यहाँ से देख रहा है कि यहाँ से देख रहा है? ऊपर से, ऊपर से देख रहा है। मतलब कि ये एक आपका क्षैतिज स्तर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। यहाँ से एक बार ये किससे देख रहा है? इस भवन का शिखर देख रहा है, और एक बार क्या देख रहा है? इसको देख रहा है। ये काम कर रहा है ना, ऐसे ही ना देख रहा है। उसको कह रहा देखने पर उच्च भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। तो ये कितना है आपका? ये वाला, यहां से मैं एक बना देता हूं ऐसे। यहां से देखने पर ये कितना बन रहा है आपका? 30 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 अंश। ये जो देखिए यहां से देख रहा है कि यहां से देख रहा है? यहां से देख रहा है। तो जब यहां से देख रहा है तो ये ऐसे देख रहा है, तो ये अवनमन कोण बन रहा है, तो कितना बन रहा है? 30 अंश। जब इसके इसको देख रहा है तो कितना बन रहा है? 30 अंश का बन रहा है। और जब इसे देख रहा है तो कितना बन रहा है? 45 अंश बन रहा है। ये उसने बोला है ना, है नहीं? 45 अंश है। तो कह रहा है तो दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे पूछा है कि इसके और इसके बीच की दूरी, यही ना पूछा है? बहुमंजिल चाहिए, बहुमंजिल चाहिए। क्या कह रहा है? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवन, मतलब कि ये ऊंचाई हमसे पूछ रहा है और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। चलिए हम इसका नाम देते हैं। नाम देते हैं, ये आपका ए है जी। ये आपका क्या हो गया? बी है। ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। एक बात समझिएगा कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। बात को ध्यान रखिएगा, अगर ये आपका 30 अंश है तो ये भी कितना होगा? 30 अंश होगा। बात समझ में आ गई? अगर ये आपका 45 अंश है तो ये कितना होगा? 45 अंश। क्यों होगा? अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर क्यों होते हैं? हाँ, ये आपकी एक रेखा हो गई, ये हुआ, तो इसका क्या होगा आपस में? एक अंतर कोण। क्या हो गया? एक अंतर कोण के कारण ये दोनों क्या होते हैं आपस में? बात समझ में आया नहीं है? अब हमसे पूछ रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। अब जरा एक बात बताइएगा, अगर ये 8 मीटर है तो सीडी और बीई क्या आपस में बराबर होंगे? होगा नहीं होगा? क्योंकि यहां से हम क्षैतिज देख रहे थे, क्षैतिज का मतलब क्या होता है? एकदम सीधा देखेंगे तो ये आपका मतलब कि बीई और सीडी आपस में क्या होगा? बराबर हो गया। इसका मतलब ये भी हमें कितना मिल गया? 8 मीटर। अब हमें किसकी ऊंचाई चाहिए? अगर हमको एई की ऊंचाई का पता चल जाए तो हम बहुमंजिल की ऊंचाई बता सकते हैं, नहीं बता सकते? बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या मैं लिख सकता हूं। देखिए कि एबी, एबी बराबर एई प्लस बीई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा, तो देखिए एबी, एबी बराबर एई, एई की लंबाई हमें नहीं पता है और बीई की लंबाई हमें दिया है, कितना है? 8 मीटर। 8। इसे समीकरण नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत है? और इसकी ये जो बीसी लंबाई होगी वही तो ईडी लंबाई होगी जी? होगी नहीं होगी जी? भाई बीसी और ईडी आपस में तो बराबर होगा ना जी? तो बीसी बराबर बीई या ईडी ना जी? अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं आपका, चलिए ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज ए ई डी में ये तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा जी, है नहीं? त्रिभुज ए ई डी में इसमें देखिए समकोण त्रिभुज ए ई डी में क्या दिख रहा है? ये अगर 30 अंश इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। अब ये लंब हो गया तो ये क्या होगा आपका? आधार हो जाएगा। तो कौन सा लगाएंगे? लंब बटा के आधार किस में आएगा? टेन। तो हो जाएगा आपका, देखिए टेन 30 अंश बराबर लंब क्या होगा? ए ई। क्या हो जाएगा आपका? ए ई बटा के आधार क्या हो जाएगा? डी ई। टेन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर ए ई बटा के डी ई। इसे समीकरण नंबर आप क्या मान लीजिए? नहीं नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो डी ई
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका में डीई बराबर क्या हो जाएगा रूट थ्री ए ई, इसे समीकरण नंबर हम मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? इसको हमने कर लिया। अब त्रिभुज किसमें? ए सी बी में। देखिए अगर इसको आप भूल जाइए सपोज, तो ये आपका एक अलग त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा? जी बन रहा, बन रहा ना। अब इसके सामने वाली ये भुजा, ये यहां से यहां तक पूरा लंब होगी। जी जी, होगी कि नहीं होगी? होगी। अगर इसको आप सपोज भूल जाइए तो आपका एक अलग त्रिभुज बन रहा है ना। ऐसे देखिए, तो ये आपका क्या हुआ? समकोण त्रिभुज बना है कि नहीं? अब क्या करेंगे देखिए, अब त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिख रहा है? अगर ये पैदा इसके सामने वाली भुजा, ये लंब है कि नहीं है? तो कौन सा लंब? और ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। आधार तो हो जाएगा आपका, देखिए 45 अंश बराबर लंब हो जाएगा आपका। देखिए ए बी, ए बी बटा के आधार क्या हो जाएगा? बीसी। बीसी हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? 10/45 मान कितना होगा? एक तो हो जाएगा, एक बटा के एक बराबर ए बी। ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे? ए ई प्लस बी ई। तो ए ई प्लस बी ई बटा के कितना हो जाएगा आपका? बी सी। बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए बी सी बराबर ए ई प्लस कितना हो जाएगा आपका? 8। बी ई का मान तो दिया है ना, 8। अब क्या करते हैं देखिए, क्योंकि DE बराबर BC, BC रहेगा ना जी? हाँ, तो DE और BC आपस में क्या है? बराबर है। यहां आप लोगों ने बताया DC और आपस में BC क्या है? आपस में बराबर है। और यहां DE है कि नहीं है? DE, देखिए अब DE बराबर इतना है, यहां BC बराबर इतना है, इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 3। अब क्या मैं BC के जगह पर क्या डी नहीं कर सकता हूं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो यहां पर लिख देंगे देखिए कि डी ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए ई प्लस 8। इसे मत मानिए, यहां पर मानिए, इसे समीकरण नंबर यहां लिख देगा, चूंकि क्या बी सी इक्वल डी, बी सी बराबर डी ई। यहां तक बातें समझ में आई? जब इतना बराबर हुआ तब जरा समझिएगा, समीकरण 2 से डीई बराबर इतना है और यहां पर डीई बराबर इतना है, तो ये बताइए जब लेफ्ट दोनों का बराबर है तो राइट भी तो बराबर होना चाहिए, होगा नहीं? और नहीं समझ में आ रहा तो एक में से दो घटा दिए थे, दोनों आपस में कट जाएगा तो उधर वाला बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो समीकरण किसे? 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से आपको क्या दिख रहा है? देखिए कर्णी में 3 ए ई, सॉरी 2 और किससे? 3 से। कड़ी में 3 ए ई बराबर हो जाएगा ए ई प्लस 8। उसको इधर ला दीजिए तो हो जाएगा, देखिए कड़ी में 3 ए ई माइनस ए ई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या ए ई कॉमन है क्या? जी है कि नहीं है? अगर हम कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ए ई अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका? देखिए कर्णी में 3 माइनस 1 ये ना बचेगा जी। अगर ये देखिए पूरा कॉमन हो गया तो बचेगा इसमें कर्णी में 3। अब इसमें से कर्णी ए ई पूरा कॉमन अगर बचा कुछ नहीं तो 0 तो बचेगा नहीं, बचेगा क्या? 1 तो बचेगा ना, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो कर्णी में 3 ए ई और माइनस ए ई। समझ में आई नहीं बातें? अब इधर बराबर कितना बचा आपका? 8 बचा। तो ए ई बराबर हो जाएगा देखिए 8 और ये यहां भाग में जाएगा तो क्या होगा? कर्णी में 3 माइनस 1। अब कड़ी में 3 माइनस 1 है तो अब हम क्या करेंगे? इसका परिमेयीकरण क्या करेंगे? परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने में हम क्या करते हैं देखिए कि ये जो कड़ी में 3 माइनस 1 है ना, सिर्फ ये माइनस किसमें बदल जाएगा? प्लस में, और कुछ नहीं होगा। तो क्या करेंगे परिमेयीकरण में? तो कड़ी में 3 प्लस 1 और कड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा, बाकी यह सब आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ए ई बराबर हो जाएगा देखिए 8 कर्णी में 3 क्या हो जाएगा? प्लस 1 बटा के इसका करेंगे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 का सॉरी कर्णी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए ई बराबर हो जाएगा देखिए 8 कर्णी में 3 प्लस 1 बटा के इसका करेंगे तो हो जाएगा देखिए 3 माइनस
एक मतलब तीन माइनस एक का मतलब कितना हो जाएगा आपका दो, दो हो जाएगा। इसको काट देंगे तो दो चौके तो ए ई बराबर कितना आ जाएगा आपका ए ई बराबर चार करड़ी में तीन प्लस ये इसका मान होगा। अगर इसको रखना है तो इसका इसमें मान रखेंगे तो करड़ी में तीन का मान कितना होता है एक दशमलव सात तीन यही ना होता है। तो इसका अगर हम मान रखेंगे तो ए ई बराबर क्या होगा आपका ए ई बराबर हो जाएगा देखिए चार इसका मान रखेंगे देखिए एक दशमलव सात तीन प्लस एक तो ए ई बराबर हो जाएगा देखिए चार वृत्ति इसका करेंगे तो कितना होगा दो दशमलव सात तीन तो ए ई बराबर हो जाएगा देखिए इसका अगर हम करेंगे तो चार तीन बारह सात चौके अट्ठाईस एक उन्तीस चार दुना के आठ दो दस दस दशमलव कितना आएगा नौ दो मीटर लगभग आपका आएगा ठीक है। ये किसका लंबाई आया ए ई की लंबाई आया ठीक है। अब ए ई की लंबाई अगर मिल गया तो आप क्या करिए देखिए अब हमें किसकी लंबाई चाहिए डी ई की लंबाई चाहिए किसकी डी ई की लंबाई या बी सी की लंबाई ये दोनों है बराबर ही है तो हम क्या करेंगे देखिए ए ई का मान अगर हम यहां पर रखते हैं समीकरण दो में तो हमें मिल जाएगा नहीं डी ई का मान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा तो आपका हो जाएगा देखिए डी ई तो हम क्या करते हैं देखिए ए ई का मान समीकरण दो में रखने पर ए ई का मान समीकरण किसमें दो में रखने पर जब समीकरण दो में रखेंगे तो देखिए डी ई बराबर हो जाएगा देखिए करड़ी में तीन का मान तो एक दशमलव सात तीन वृत्त कितना जाएगा देखिए दस दशमलव नौ दो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा डी ई बराबर डी ई बराबर अगर हम गुणा करेंगे तो प्राक्ष में कितना मान आएगा दिया है ना चलिए अगर करड़ी में दिया है तो कोई बात नहीं है अगर इतना करेंगे तो आपका जो भी आपका मान आएगा एक प्रांस में वो आपका मान हो जाएगा ठीक है। अब इतना इसका मान हो गया अब ये देखिए ये हमके इसके बीच की दूरी पता चल गई है कि नहीं पता चल गई। अब हमसे पूछ रहा बहुमंजिला की ऊंचाई पूछ रहा था बहुमंजिला की ऊंचाई हमें निकाला था देखिए ए बी है ठीक है ना तो बहुमंजिल की ऊंचाई कहाँ है यहाँ पर देखिए है यही है ना जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए ए ई का मान रख देंगे तो ए बी बहुमंजिल ऊंचाई है बराबर ए ई का मान हम लोगों ने कितना निकाला दस दशमलव नौ दो नौ दस दशमलव नौ दो प्लस क्या हो जाएगा आपका आठ तो ए बी बराबर अगर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा देखिए अठारह दशमलव नौ दो मीटर ठीक है। उदाहरण नंबर सात की एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए मतलब समझिए पुल कैसा होता है यहां देखिए आपका किया है देखिए देखा जाए इसी टाइप में होता है ना पुल ऐसे ही ना होता है क्योंकि जैसे पुल का मतलब समझ जैसे कहीं से पार्क आप करेंगे उसी टाइप कैसे होता है और इसके ऊपर से मान लेते हैं ऐसे आपका गाड़ी ऐसे जाती है ऐसे ही नहीं जाती है गाड़ी। अब इस टाइप से मान लेते हैं आपका ये पुल है ये मैंने एक चित्र आपका बना दिया ठीक है क्या कह रहा है देखिए नदी के पुल के एक बिंदु से अब मान लेते हैं किसी बिंदु से मान लेते हैं यहां से किसी बिंदु से ठीक है कोई व्यक्ति मान लेते हैं खड़ा है यहीं पर ठीक है यहां से या फिर यहां से इसका ये किनारा एक होगा एक ये किनारा होगा यही ना होगा जी। अब कह रहा है कि इस किनारा एक किनारा ये हो गया और दूसरा किनारा ये हो गया कि नहीं हो गया अब ये बन गया तो ये आपका क्षैतिज होगा। अब क्या कह रहा है देखिए किनारों से यहां से देखा जा रहा है कि यहां से देखा जा रहा है यहां से देखा जा रहा है अब यहां से देखेगा तो कौन सा अवनमन बढ़ेगा बनेगा या उन्नयन बनेगा अवनमन बनेगा तो अवनमन बन रहा है देखिए तो कह रहा है अवनमन को 30 अंश और 45 अंश है तो अब यहां से ये देखेगा तो ये कितना बन रहा है 30 अंश 30 अंश बनेगा और यहां से इसका कितना बन रहा है 45 अंश बन रहा है तो कह रहा है कि ये इसके बीच की ये वाली जो दूरी है ये हमें ज्ञात करना है। और आगे क्या कह रहा है देखिए यदि पुल के किनारों से यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो अच्छा ये जो पुल है कहां से इन किनारों से कहां से किनारों से ही ना दिखा रहा है हाँ ये किनारों से ये इसकी जो ऊंचाई है ऊंचाई ऐसे होगी कि ऐसे होगी लॉन्ग सीधा होगी तो
मतलब यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3 मीटर। 3 मीटर है, तो हमसे कह रहा है नदी की चौड़ाई कीजिए। समझिए हम क्या करते हैं, देखिए अब मतलब इस किनारे से चाहे ये ऊंचाई ले लें या यहाँ से ये ले लें, दोनों 3 मीटर ही ना होगा, है कि नहीं है। अब अगर इसको हम एक अलग शेप बनाएं तो ये देखिए आपका इस शेप में बन रहा है, ये ऐसे ऐसे ही बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा है। अब चाहे यहाँ से इसकी भाई कह रहा है कि पूरे जो किनारों से 3 मीटर ऊंचा है, चाहे यहाँ की हम बात करें और चाहे यहाँ से यहाँ की बात करें, कोई दिक्कत है? नो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से ऐसे ऊंचा हो गया, अब यही जो ऊंचाई है कितनी आपका 3 मीटर है, तो क्या यहाँ से अगर यहाँ पर मैं अगर लंब डाल दूं तो क्या ये 3 मीटर नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। अब अगर ये 30 अंश बन रहा है तो देखिए ये क्षैतिज में बना दे रहा हूँ, अगर ये आपका 30 बन रहा है ये भी तो 30 होगा, होगा कि नहीं होगा जी। ये 30 अगर ये आपका 45 बन रहा है ये भी कितना होगा आपका? होगा कि नहीं होगा? इसका मैं नाम था आपसे कह रहा, देखिए ये ए हो गया, ये बी, ये सी, इसका नाम कर देते हैं आपका डी। कोई दिक्कत है? अब अगर ये लंब डाल दिया तो ये कितना 90 डिग्री बना, नहीं दो त्रिभुज बन गया जी। हमसे क्या पूछ रहा है? बीसी, बीसी चौड़ाई होगी ना, तो मतलब कि बीसी, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा आपका? बीडी प्लस बीसी प्लस डीसी। कोई दिक्कत है? अब हमको क्या करना है, मतलब हमको बीडी और डीसी की लंबाई अगर पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आप देखिए आपका ये 3 मीटर हो गया, ये आपका दिया है। अब देखिए बीडी हमें क्या करना था, देखिए अगर इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, और ये क्या होगा? आधार। तो लंब बटा के आधार किसमें? 30 अंश में, एल ए एल डबल के ए। तो लंब बटा के आधार किसमें? एन में ना, तो क्या लगाएंगे? देखिए टैन त्रिभुज किसमें? ए डी बी में, ए डी बी में क्या होगा? देखिए टैन कितना? 30 अंश बराबर लंब क्या होगा आपका? देखिए ए डी बटा के बी डी। कोई दिक्कत है? टैन 30 अंश मान कितना होता है? 1/√3 बराबर ए डी बटा के बी डी। ठीक है, अब क्या करते हैं? एडी का मान तो दिया है ना, एडी तो आपका दिया है, कितना दिया है? 3 मीटर दिया है, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा? देखिए बी डी बराबर हो जाएगा 3√3 मीटर, मतलब हमें ये वाली लंबाई पता चल गई। अब क्या करते हैं, देखिए बी डी बढ़िया से, चलिए अब क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज किसमें? अब ए डी सी में, ए डी सी में, ए डी सी में क्या आंसर बनेगा? ये लंब तो ये आधार, तो कौन सा लगेगा? टैन 45 टैन 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब आपका हो जाएगा एडी, एडी बटा के डीसी, डीसी। ठीक है, तो टैन 45 अंश मान कितना होता है? एक। एडी, एडी का मान आपका दिया है कितना? 3, और डीसी हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डीसी का 1 में गुणा करेंगे, कितना होगा डीसी? तो डीसी बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर। हमसे पूछा क्या है, देखिए बीसी, तो बीसी यही चौड़ाई है ना, तो बीसी बराबर बीडी कितना है आपका? 3 करड़ी में 3 प्लस डीसी कितना आया? 3। अब यही आपका 3 कॉमन कर लीजिए, तो बीसी बराबर हो जाएगा 3 कॉमन कर लेंगे, तो करड़ी में 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका? यही मीटर में दिया ना, ये आपकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी, और निकालेंगे तो करड़ी में 3 का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा।